यूनिट सिक्स अलजेब्रा टॉपिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वी हैव गिवन ए फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्केयर। पेरीमीटर ऑफ स्केयर फोर मल्टीप्लाई साइड। पी पेरीमीटर डिनोटेड बाय पी, साइड डिनोटेड बाय ए। पेरीमीटर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड, पी इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई ए, पी इज इक्वल टू फोर ए। Here 4 is the constant and P and A are the variable. Means a quantity which does not change its value, a quantity which does not change its value is called constant. A quantity which change its value is called variable. P is equal to 4A. 4 तो हमारा fix है, 4 is the constant. साइड हमारी अगर 2 है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8। अगर साइड हमारी 3 है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 12। ये कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, साइड 5, साइड 3.6, साइड 10, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई 3.6 14.4, 4 मल्टीप्लाई 10 40। 4 फिक्स है, साइड भी चेंज हो रही है, पैरामीटर भी चेंज हो रहा है। तो पी एंड ए आर द लिटरल नंबर, दे आर नॉट फिक्स, दे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ, ऑन द साइड ऑफ स्केयर। ए क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, ए क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। दिस इज द डेफिनेशन, यू विल राइट इन द फेयर नोटबुक, डेफिनेशन ऑफ constant and variable. Now question number 5, worksheet 3. Number of mangoes in 1 dozen, 1 dozen में कितने होते हैं 12। ऐसे नहीं होता कि 1 dozen में change हो जाए, 1 dozen में 12 भी होते हैं, तो it is constant. Number of centimeter in meter, 1 meter में centimeter कितने होते हैं 100, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर इन ए डे, टेम्परेचर हमारा जो कभी गर्मी होती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कम होती है, तो टेम्परेचर हमारा कम ज़्यादा होता रहता है। टेम्परेचर इन ए डे वेरिएबल। डिग्री इन ए राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, दिस इज कॉन्स्टेंट। एक्यूट एंगल की वैल्यू चेंज हो जाए, एक्यूट एंगल हमारा 90 से 0 और 90 के बीच में होता है। एक्यूट एंगल 1 डिग्री का एंगल भी एक्यूट है, 40 डिग्री भी एक्यूट है, 60 भी एक्यूट है, तो 1 से लेके 89 तक चेंज हो रही है वैल्यू, तो एक्यूट एंगल इज वेरिएबल। नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, वैसे 28 होते हैं, तो ये भी क्या आएगा वेरिएबल। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल के डेज फिक्स होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो ये हमारा क्या है कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स कॉन्स्टेंट। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के वर्ड हमेशा क्या होंगे कॉन्स्टेंट। जी पार्ट में बाय मिस्टेक वेरिएबल लिखा गया है, बट दिस इज इन जी पार्ट इज कॉन्स्टेंट।